आप बेरोजगार हैं और आपको रोजगार की आवश्यकता है तो अब आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं। जी हाँ, जिला ग्रामोद्योग अधिकारी और उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा युवाओं को रोजगार देने की कवायद की जा रही है। इसमें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत युवाओं को छोटे छोटे उद्योग शुरू करने के लिए ऋण दिया जा रहा है। इस ऋण में 25% से लेकर 35% तक की छूट दी जा रही है। आपको बता दें कि जनपद अमेठी की बात करें तो इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और आवेदन की प्रक्रिया को लगातार बढ़ाया जा रहा है, जिससे युवा रोजगार से जुड़ सकें और उन्हें बेरोजगारी की मार ना झेलनी पड़े। बात अगर अमेठी की करें तो अमेठी जनपद में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना अभियान के तहत तो दो स्कीमों में युवाओं को रोजगार देने की कवायद की जा रही है। अमेठी जनपद के स्वरोजगार हेतु जिला खादी ग्रामोद्योग विभाग द्वारा उद्योग उत्पादन क्षेत्र में उद्यम की स्थापना के लिए 50 लाख तक का ऋण दिया जा रहा है। इसके साथ ही सेवा क्षेत्र में उद्यमों की स्थापना के लिए 20 लाख रुपए तक का ऋण दिया जा रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में भी 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जा रहा है। आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को आधार कार्ड, राशन कार्ड, परिवार रजिस्टर की नकल, निवास प्रमाण पत्र के साथ जाति प्रमाण पत्र और फोटो के साथ प्रधान और सक्षम अधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र भी मांगा जा रहा है। आपको बता दें कि लगातार इसके लिए आवेदन जारी है। आइए खादी ग्रामोद्योग अधिकारी से जानते हैं पूरी योजना। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को उत्पादन क्षेत्र के लिए अधिकतम 50 लाख रुपए का और सेवा क्षेत्र के लिए अधिकतम 20 लाख रुपए तक की पत्रावली यहाँ से तैयार होती है, जो बैंक से लोन मिलने के बाद आरक्षित वर्ग के लिए 35% की सब्सिडी और अनारक्षित वर्ग के लिए 25% की सब्सिडी दी जाती है। इसी तरीके से मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना में अधिकतम 10 लाख रुपये तक की ऋण पत्रावली विभाग से तैयार होती है, जो बैंकों द्वारा जिनको ऋण स्वीकृत होता है उनको आरक्षित वर्ग के लिए ब्याज दर 0 रहती है और अनारक्षित के लिए 4% का ब्याज उनके द्वारा दिया जाता है। इसके लिए एक आवेदन की क्या प्रक्रिया है और क्या कुछ पूरा हुआ है? इसके लिए आवेदन करने के लिए एक आपको फॉर्मेट मिलता है, जो कि प्रधान से या सक्षम अधिकारी से उसमें आपको एक अनुमति लेनी पड़ती है कि हम इसी गाँव से बिलोंग कर रहे हैं। एक प्रमाण पत्र जारी होता है और ऑनलाइन आवेदन होता है। ऑनलाइन आवेदन होने के बाद वो अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट और जो भी इसमें डॉक्यूमेंट लग रहे हैं, जैसे आधार कार्ड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट और उसका फोटो, शैक्षिक योग्यता और जाति प्रमाण पत्र और जो एक अनापत्ति प्रमाण पत्र हमारे यहाँ से मिलता है फॉर्मेट, उसको लगाते हुए जब आवेदन करेगा तो उसकी फाइल ऑनलाइन प्रोसीडिंग में आएगी और हम लोग उसका इंटरव्यू लेकर के उसकी फाइल बैंक को भेजते हैं और बैंक इंटरव्यू ही लेकर के कि क्या उसका 10 लाख का प्रपोजल है या वो कर सकता है कि नहीं कर सकता है, लोन स्वीकृत होता है और वो यूनिट लगती है। इसके तो योजना से आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि कब तक है, क्या कुछ है पूरा इसका? अभी तक इस पर हमने जो डिसाइड किया है मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना में, एक्चुअली प्रधानमंत्री रोजगार योजना क्योंकि ये ऑनलाइन चलती रहती है और मुख्यमंत्री योजना भी ऑनलाइन ही चलती है, तो इसमें लाभार्थी स्वतः आवेदन कभी भी कर सकता है, कोई इसके लिए डेट बाधित नहीं की गई है। लेकिन हम एक समय समय पर निकालते हैं क्योंकि लक्ष्य निर्धारित रहता है तो हमें उस लक्ष्य के अंतर्गत काम करने होते हैं, तो ये साइट हमेशा चलती रहती है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। ठीक है।